देखो अपन बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बताया था। आज मैं आपको तरंगें कैसे फ्लो होती हैं उसको मैं बता रहा हूँ और उसका समीकरण आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लीजिए ये एक डोरी है और इस डोरी में बहुत सारे कण हैं। इन कणों को मैंने यहां पर लिख दिया है, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे हो तो बहुत सारे कण हैं। अब मैंने डोरी को यहां पर जर्क दिया, जैसे ही मैं जर्क दूंगा तो ये जर्क अनुप्रस्थ तरंग के रूप में कैसा होगा, आगे बढ़ेगा। और जैसे ये आगे होता बढ़ता है तो मेरे पास ये जो तरंग है, ये तरंग ऐसे आती है। और जब ये तरंग ऐसे आएगी तो इसमें डिफरेंट कण होंगे, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे बहुत सारे कण यहाँ पर होंगे जो तरंग आने के कारण कैसे होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ये कैसा हो गया, एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। ये कैसा हो गया, माइनस ए, ठीक है। ये समय टी हो गया। मान लो जैसे ही मैंने जर्क दिया तो ये डिस्टरबेंस टी टाइम के बाद यहां पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टी समय पर पहुंचता है। अर्थात जब मैंने जर्क दिया तो डिस्टरबेंस एक पॉइंट या एक कण एक से स्टार्ट होके कहां पर पहुंचा, छह पे पहुंचा। तो मेरे पास हो तो देखिए, क्योंकि ये तरंग कैसे हो रही है, एक आपके पास साइन कर्व के रूप में जा रही है, इसलिए हम जानते हैं कि कण का किसी समय विस्थापन या तरंग रूप y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, जहां y बराबर कैसा हो गया आपके पास, विस्थापन, a बराबर क्या हो गया, तरंग का आयाम, तरंग का आयाम ओमेगा बराबर टू पाई न्यू या टू पाई अपॉन टी, ठीक है, कण की कोणीय आवृत्ति है। तो अब मान लीजिए आप कल्पना करिए, ये वाली तरंग यहां पर वी वेग से होता जा रही है, तो जब मैंने एक को डिस्टर्ब किया तो टी टाइम के बाद ये डिस्टरबेंस एक दो तीन चार पांच से होकर छह पर पहुंचेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो माना तरंग वेग वी से गति करती हुई टी समय पश्चात दूरी एक्स तय करके पहुंचती है। तो
समय, देखो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मैं यहां पर समय को क्या लिखूंगा, डी अपॉन वी। डी मेरे पास क्या हो गया यहां पे, डी यहां पर एक्स के बराबर हो गया और समय यहां पर कितना हो गया, टी के मान के बराबर हो गया। तो मेरे पास यहां पर टी बराबर कितना हो गया, एक्स अपॉन वी के मान के बराबर हो गया। तो मैं टी को यहां पर लिखूंगा एक्स अपॉन वी, इसलिए टी समय पर तरंग का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा t, ये था। तो t समय के पश्चात यहां पर वेग तरंग पहुंच रही है, देखिए। तो कितने टाइम के बाद, तो ये टाइम मैंने कितना निकाला, x अपॉन b। तो मेरे पास तरंग का पहला समीकरण क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा t माइनस x अपॉन v के मान के बराबर आ जाता है, ठीक है। मैं यहां पर तरंग का एक और रूप निकाल लेता हूं, आप क्या कर लीजिए, इसमें अंदर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरे पास कितना जाएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन v इंटू x के मान के बराबर हो गया, ठीक है। ओमेगा अपॉन v को मैं कैसे शो करता हूं, और ये मेरे पास क्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाती है, इसको मैं बोलता हूं तरंग संख्या। तो तरंग का समीकरण आ जाता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स के रूप में मेरे पास तरंग का एक समीकरण मिलता है। तो हम क्या करते हैं, तरंग के विभिन्न भिन्न टाइप के समीकरण को लेके चलते हैं। इसका एक समीकरण ये निकल आता है, ठीक है। एक और मैं निकाल लेता हूं, चूंकि मैंने अभी क्या निकाला, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x अपॉन v। आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना आता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल t। आप क्या कर लीजिए, ये vt माइनस x अपॉन v कर लीजिए। मैंने इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे से v को आप क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन t इंटू v हो गया, vt माइनस x कर लीजिए। अब वेग बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय। तरंग अगर चलती है तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, समय t कहलाता है। तो ये लैम्डा अपॉन कैपिटल t आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी बराबर लैम्डा के मान के बराबर आ गया। अगर मैं इसको देखूं तो तरंग का एक समीकरण कितना जाएगा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t इंटू वी कितने के इक्वल हो गया, लैम्डा, ये कितना जाएगा, vt माइनस x के फॉर्म में यहां पर आ जाता है। तो तरंग का ये भी एक रूप होता है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाते हैं, तरंग के अगर अपन समीकरण निकाले तो एक फॉर्मेट ये चल रहा है, दूसरा फॉर्मेट मेरे पास क्या हो गया, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये वाला चलता है। थर्ड y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x, ये भी चलता है। तो जब अपन कैलकुलेशन करते हैं या तरंग की स्टडी करते हैं तो हम किसी भी तरंग के समीकरण का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरंग के समीकरण को ले सकते हैं। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से
नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।